हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। यह डिज़ाइन मैंने पहले भी आपको बना के ना सिखाया हुआ है फ्रेंड्स, तो आज मैं इसी डिज़ाइन का यूज करना बताऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने चार पीस ले लिए हैं और ये मैंने दो पट्टियाँ काट ली हैं। जितनी लंबी कट सकी फ्रेंड्स, मैंने उतनी लंबी काट ली थी ताकि बाद में मैं डिज़ाइन के हिसाब से मैं बाद में इसको कट कर सकूँ। तो ये मैंने दो पट्टियाँ ली थी फ्रेंड्स, ये मैंने चार पट्टियाँ ली थी और ये भी मैंने चार पट्टियाँ ली थी। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन पट्टियों को करते हैं साइड में और पहले हम इस चार पीसों को आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए, मैंने रख लिया फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स दिखाई कम दे रहा होगा फ्रेंड्स, मैं इसको पहले सिल लेती हूँ फिर आपको मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने चारों पीस रख लिए हैं एक साइज के। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ये देखिए, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पीसों को ऐसे रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे, इस पीस को भी ऐसे करेंगे फ्रेंड्स कि पलट देंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो मैं ये दोनों पीस सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बीच का जोड़ लिया है, अब ये दोनों जुड़ चुकी हैं। अब ऐसे ही हम इन दोनों को भी सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस पर पलटेंगे। तो देखिए, हमने पलट दिया है, क्या करेंगे, पहले जो बीच का जॉइंट है हमें उस पर एक पिनअप कर लेना है और उसके बाद यहाँ से सीधा सिल लेना है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा बीच का भी जॉइंट हो गया है। तो देखिए, ये इस तरीके से तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ नीचे ये वाली पट्टी जोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे करके सिलेंगे और पलट देंगे। सेम हम ऊपर से भी ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स कि हम यहाँ पे भी ये दूसरी पट्टी लेंगे और यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। तो हम आपको ये सिल के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये पट्टी जुड़ गई है, ऐसे ही मैंने ऊपर भी जोड़ लिया सेम। अब क्या करेंगे हम, अब हम येलो वाली पट्टी लेंगे और यहाँ सिल देंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हम साइड में निकाल देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने ये पट्टियाँ बड़ी ही ली है ताकि हमें कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, तो हमने इसीलिए बड़ी ली है फ्रेंड्स। तो देखिए, अब यहाँ सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। ऐसे ही हमें ऊपर लगानी है फ्रेंड्स और ऐसे ही हमें साइड में लगानी है। तो ये हमारी चार जो पट्टियाँ हैं, अब हम इसको बारी बारी सिलेंगे। तो हम चारों कोनों पर एक एक पट्टी जोड़ लेते हैं। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये येलो पट्टी जोड़ ली है, अब ये वाली येलो पट्टी भी इसके ऊपर रख के जोड़ेंगे और बाद में हम चारों कोने पे ये वाली पट्टी जोड़ेंगे। तो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा। तो हम एक बारी बारी पट्टी जोड़ लेते हैं। पहले क्या करेंगे फ्रेंड, पहले नीचे वाली पट्टी जोड़ेंगे, ये वाली, फिर ऊपर वाली और फिर जोड़ेंगे हम साइड साइड वाली पट्टी। तो पहले मैं येलो वाली ये सिल लेती हूँ, फिर हम ये वाली जोड़ेंगे। तो मैं इसको सिल के कम्प्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया है। ये मैंने बच्चे की बिछौनी का फ्रंट कवर बनाया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। और मैंने ये साइड में जितनी भी पट्टियाँ लगाई हैं, ये मैंने ढाई ढाई इंच की ली थी फ्रेंड्स। आप चाहे तो अपने हिसाब से, जैसे भी आपको जितनी बड़ी चाहिए उसी हिसाब से बड़ी पट्टी काट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी मेरी ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।